अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से और आप सब लोगों के लिए दुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे अबाया डिज़ाइन। अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर के लिए बहुत हसीन हसीन प्यारे प्यारे अबाया डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप देखें, हम जब जाते हैं कहीं बाहर तो हम चादर लेके जाते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए हम अबाया कैरी करें। अबाया में ये होता है हम कंफर्टेबल रहते हैं। चादर कभी इधर से फिसल के इधर गिर जाती है, कभी उधर गिर जाती है, उसको हम बार बार कवर अप करते रहते हैं। लेकिन जो अबाया है ये हमें फुल टाइम कवर भी रखता है, हमारा सर भी हम हिजाब से अच्छे से ढांप सकते हैं। उसके अलावा हमें परेशानी नहीं होती हमारा यहाँ से कुछ नज़र आ रहा है या हमारा दुपट्टा इधर जा रहा है, हमारी कमीज़ इधर जा रही है। हमें चादर में इस चीज़ का बहुत ख्याल करना पड़ता है, लेकिन अबाया में हमें इन चीज़ों का ख्याल नहीं करना पड़ता। मैं जब यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं लाजमी तौर पर अबाया करके जाती हूँ। मैंने 3-4 स्टाइल्स के अबाए लिए हुए हैं, एक दो मम्मी ने बना के दिए हैं, कुछ लिए हैं मार्केट से, तो मेरे पे बहुत सूट करते हैं। रोज़ रोज़ मैं कपड़े भी चेंज करके नहीं जा सकती, इतनी ज़्यादा वैरायटी कहाँ से लेके आऊँ। अब हर किसी की अपनी रेंज होती है, अपना हिसाब किताब होता है, उसको देख के चलना चाहिए। तो मैं कहती हूँ बाया हमें ज़्यादा सारे स्टाइल्स का ले लेना चाहिए। उससे ये होता है हमें जब कहीं भी बाहर जाना है हम डिफरेंट स्टाइल के बाय करके जाएं, उससे हम प्यारे भी लगेंगे। हमारे अंदर ना एक चीज़ आ जाती है बार बार नए नए ड्रेसेस चेंज करने के बाद, कि अब हमारे पास अबाया एक ही पहन के जा रहे हैं, हम अबाया एक ही पहन के जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। इस वजह से यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए मैंने काफ़ी सारे स्टाइल्स के लिए हुए हैं, तो मैं चेंज करती रहती हूँ वक्ता फ़क्ता। लेकिन मैं अपने प्यार प्यार सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को यही कहूँगी, आप प्यारे प्यारे कलर्स के, अच्छे अच्छे शेड्स के अबाया ज़रूर बनवाएं और लें। अब देखिए, ब्लैक कलर का अबाया बहुत खूबसूरत लगता है, इसके साथ आप बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट शेड्स के बनाएंगे, जैसे ग्रे हो गया, ब्राउन हो गया, स्किन हो गया, इन शेड के अबाए भी बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन ब्लैक कलर का जो अबाया होता है, इसके साथ हिजाब का हर कलर सूट करता है। लेकिन वहीं पे अगर हम कोई स्पेसिफिक कलर, जैसे पिंक हो गया, ग्रे हो गया, तो उसके साथ हमें उसी सेम कंट्रास्ट का हिजाब करना पड़ता है। अगर आप हिजाब में वैरायटी लेते हैं, यानी हिजाब ज़्यादा स्टाइल्स के लेते हैं, तो आप अबाए का कलर ब्लैक लें। और अगर आप सेम कलर का ले रहे हैं तो